माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि विंटर के लिए मेकअप शेयर करिए, जी हाँ, आज मैं यहाँ पे विंटर के लिए मेकअप शेयर कर रही हूँ यूजिंग अ ग्लैमअप। जी हाँ, मैं इस मेकअप में ग्लैमअप का यूज़ करने वाली हूँ, ग्लैमअप के साथ मेकअप करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने कैसे ये मेकअप किया। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अपने आई मेकअप से। तो आप लोग को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अभी तो माशाल्लाह बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप लोग के लिए मैं ये बता दूं कि मैं सबसे पहले करती हूँ आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया NYB का कंसीलर। और आप लोग को पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है ये कंसीलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। और अब मेरा ये फिनिश भी होने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का कॉम्पैक्ट। और इसमें जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइज। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये जो है आई शेडो पैलेट। उसमें से ये डार्क ब्राउन शेड मैं पिक करूँगी और अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी। बहुत ज़्यादा जो है पूरे लिड वगैरह पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही प्लेस करना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है और हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है। बहुत हार्ड हाथों से नहीं, बहुत सॉफ्ट हाथों से अपने जो है ब्लेंडिंग आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों आईज में ऐसे ही अप्लाई कर लिया और अब इसको ब्लेंड करेंगे। देन उसी पैलेट की हेल्प से आपको मिलेगा एक उसमें पिंक सा शेड, और ये ऑरेंजेस वाला नहीं, इसके ऊपर वाला जी, ये हल्का सा ब्राउनिश पिंक है। तो इसको जो है अपने जो मैंने डार्क ब्राउन लगाया है इसको ऊपर ही इसको अप्लाई करना है। इसे एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करना था, बट मैं इसके मतलब कि ब्राउन के बाद ही लगा रही हूँ, क्योंकि हल्का सा ब्राउन पे थोड़ा सा पिंकिश लुक देना था, क्योंकि मेरा पूरा आई मेकअप जो है पिंक होने वाला है। इसके बाद सेम पैलेट की हेल्प से मैं अप्लाई करूँगी ये ग्लिटर आई शेड, हाँ ग्लिटर शेड पिक करूँगी, और ये पिंक कलर का है और ये बहुत ज़्यादा ग्लिटरी है। तो अपनी जहाँ पे आपको जगह जहाँ जहाँ दिख रही है वहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है ग्लिटर ग्लिटर वाला आई शेडो। देन इसको फिंगर से मैं यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से ग्लिटर वाले शेड ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 20 रुपीज़ वाला, सॉरी 10 रुपीज़ वाला ग्लिटर। और एक ब्रश को पहले मैं वेट कर लूँगी, और क्योंकि आप लोग को पता है मेरा कोई भी आई मेकअप बिना ग्लिटर के नहीं होता, तो मुझे ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज। तो इसको सिर्फ ऐसे ही प्लेस करना है जहाँ पे मेरा जो ये पिंक का शेड है और उसका जो ऊपर का कॉर्नर है बस वहाँ पे अप्लाई करना है, पूरे में अप्लाई नहीं करना है इसको। तो एक लाइन सी बनाना है ऊपर की तरफ और इसे इनर कॉर्नर पे थोड़ा अच्छे से प्लेस करना है। तो अगर आप ऐसा लुक कुछ करते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा गेस्ट मेकअप में, या फिर आप खुद के यहाँ कोई फंक्शन है तो भी आप ये आई मेकअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ये आई मेकअप। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYB का आईलाइनर। जैसा कि आप लोग को पता है कि NYB का लाइनर वाटरप्रूफ तो नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा जेड ब्लैक होता है और जब ये ड्राई होता है तो ये बहुत ही अच्छा वेलवेटी सा लुक देता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो अच्छा लगता है ये वाला लाइनर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइनर नहीं लिया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ले लीजिए और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये। तो मैं यहाँ पे लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना तो थिन लगाना है ना तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगाना है। उसके बाद आते हैं फेस मेकअप पे। फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब की वीट क्रम नरिशिंग क्रीम, और ये बहुत अच्छी है ठंडियों के लिए, तो बहुत ही अच्छी क्रीम है क्योंकि बहुत अच्छे से नरिश करती है। और ये आप फेस वॉश करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ड्राई हो जाता है फेस वॉश करने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का जो है प्राइमर, और ये जो वाइट वाला प्राइमर नहीं आता है, कौन सा डूई वाला जो बेस डी टिंट होता है उसका, वो लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है गाइज ये, और ठंडियों में वैसे भी जो है ये प्राइमर लेना चाहिए आपको। ये ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है और ऑयली स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आप लोग को पता है ग्लैम अब जो एक क्रीम है ना कि कोई मेकअप बेस है, तो ग्लैमअप एक बहुत अच्छा शाइन दे देता है आपको और कवरेज वगैरह बिल्कुल नहीं देता। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अपना कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे, वो इसलिए क्योंकि
क्योंकि अगर मैं फाउंडेशन अप्लाई करती देन ग्लैमर अप्लाई करती तो वो केकी लुक दे देता, इसलिए मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, एनवाइवे का ही कंसीलर है। इसके बाद मैं इस पे ग्लैमर यूज़ करूँगी क्योंकि ग्लैमर बहुत अच्छे से शाइन देता है, बहुत ही अच्छा शाइन देता है, इसलिए मैं ग्लैमर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया है तो आप लोग के सामने इसकी पैकेजिंग खोल रही हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना था, पहले ये ट्यूब फॉर्म पे आता था बट अभी ये इस पंप फॉर्म पे आने लगा है। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है अगर आप नो मेकअप मेकअप लुक करते हो या फिर कुछ अप्लाई नहीं करना चाहते हो, बस हल्का फुल्का सा शाइन चाहते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो मेकअप में ये जो है हल्का सा शाइन दे देगा, तो इस तरीके से डॉट डॉट कर लेंगे। दो दो या तीन पंप लिया था मैंने बस, तो यहाँ पे हो गया मेरा ये। और अब इसको जो है ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ही जो है ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि वैसे लगाना चाहिए तो इसे हाथों से, लेकिन मैं यहाँ स्पॉन्ज का हेल्प ले रही हूँ, हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि अंदर मेरे इसके अंदर जो है मैंने कंसीलर अप्लाई कर रखा है, इस वजह से मैंने ये ग्लैमअप जो है इससे अप्लाई किया, ताकि मेरा जो कंसीलर है वो बाहर मतलब कि उभर के ना आने लगे, तो इसलिए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा शाइन दे रहा है, डूई लुक दे रहा है ये, तो अच्छा है। उसके बाद इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे ग्लैम 21 का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसमें से कॉन्ट्रोल शेड पिक करूँगी और अपनी नोज़ को कॉन्ट्रोल करूँगी और अपने जो है चीक को कंट्रोल करूंगी। आज मैं फॉरहेड जॉ लाइन वगैरह को नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैं आज क्रीम कंट्रोल करने वाली हूँ, क्योंकि आज इतना दिल नहीं था कंट्रोलिंग करने का। तो बहुत अच्छा पैलेट है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, न्यूड पैलेट है, तो इसमें आपको न्यूड ब्लशर शेड मिलेंगी, आपको इसमें जो है हाइलाइटर भी मिलेगा, बहुत ही अच्छा पैलेट है, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा और अच्छा लगे तो लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है ये। और उसके बाद मैंने इसमें से ब्लश, मैंने शुगर का अप्लाई किया है और ये शुगर का ब्लश 300 समथिंग का ही मिलता है, तो अच्छा है ये ब्लश भी। उस पैलेट से मैंने ब्लश इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसमें बहुत न्यूड शेड है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा वाला मतलब अच्छा क्या मतलब थोड़ा सा ब्राइट शेड चाहिए था, तो इसलिए मैंने शुगर का अलग से लगाया है। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सेम पैलेट का हाइलाइटर, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड, आप देख सकते हो, मुझे अलग से इसको सही करना पड़ा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लग गया था। चीक बोन पे भी अप्लाई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा शाइनी ग्लोई मेकअप लगे मेरा, ताकि दूर से लोग आपको देखे तो कहें वाह कितना ग्लो कर रहा है इनका चेहरा, ना ऐसा होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का काजल यूज़ किया था वाटर लाइन पे, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैम 21 की आईब्रो पेंसिल, और ये मैंने शायद लोकल मार्केट से लिया था, लोकल मार्केट में ग्लैम 21 का मिल गया पता नहीं कैसे। उसके बाद मैं इसको इस पुली की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँगी, पहले से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और पर्पल का काजल फिर से अप्लाई करूँगी क्योंकि थोड़ा सा कम लगा था। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ करूँगी लोअर लैश लाइन पे, क्योंकि मुझे नीचे लोअर लैश लाइन पे लगाना है ग्लिटर, और आज मेरी फुल्ली आईज ग्लिटर ग्लिटर वाली होने वाली है, तो पिंकी आईज ग्लिटरी आईज अच्छा लगेगा। उसके बाद ब्रश को वेट कर लिया और फिर से वही पिंक का शेड वाला ग्लिटर लिया है और अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जो है मस्कारा, ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है। उसके बाद ये एडियस की 10 रुपीज़ वाली लिपस्टिक है और मेरा जो शेड है 11, और आई थिंक ये जो है नहीं मिलेगी आपको ऑनलाइन, ये ऑफलाइन ही मिल रही है, मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिया था, बहुत ही प्यारा शेड है, ऑरेंज का शेड है, 10 रुपीज़ की है। यार मुझे यकीन ही नहीं होता ना आप लोग को होएगा, लेकिन हाँ ये 10 रुपीज़ की ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, फेसेस कनाडा का ऑल टाइम प्रो मेकअप फिक्सर, अच्छा फिक्सर होता है। उसके बाद इसको जो है पूरे में सेट कर लेंगे। सो या गाइज, ये मेरा फाइनल लुक, आई होप गाइज कि आप लोग को मेरा ये लुक अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, आई लव यू।